राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को दावा किया कि आरएसएस से जुड़े मराठी साप्ताहिक में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन पर सवाल उठाने वाली एक रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल छोड़ने का एक सूक्ष्म संदेश है। आरएसएस से जुड़े प्रकाशन विवेक का दावा है कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ गठबंधन के बाद महाराष्ट्र में मतदाताओं की भावनाएं भाजपा के खिलाफ हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप भगवा पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। प्रकाशन द्वारा किए गए एक अनौपचारिक सर्वेक्षण के अनुसार भाजपा के सदस्यों ने पवार के साथ हाथ मिलाने के पार्टी के फैसले को अस्वीकार कर दिया। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की एनसीपी को तोड़ दिया और पिछले साल जुलाई में महायुति गठबंधन में शामिल हो गए। अपने दर्शकों को बता दें कि हाल ही में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई, अजीत पवार को सरकार से बाहर जाने के लिए अब क्या बीजेपी कह रही है, क्योंकि अजीत पवार के साथ जितने बड़े नेता थे वो नेता अब उनका साथ छोड़कर शरद पवार के साथ हाथ मिला रहे हैं। यानी कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव से पहले शरद पवार की एक बड़ी भूमिका है और उद्धव ठाकरे ये कह भी रहे हैं कि वो दोबारा से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हाल ही में स्वामी जिस तरीके से उनका बयान सामने आया है वो भी सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि स्वामी जी का बयान कहीं ना कहीं ये बताता भी है कि उद्धव ठाकरे एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या अब शरद पवार बड़ी भूमिका निभाएंगे और क्या एक बार फिर शरद पवार अगर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो क्या ये वाकई बीजेपी के लिए किसी आश्चर्यचकित से कम नहीं होगा।